आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत महेशपुर में महाराजगंज से सहदेवगंज को जाने वाला मुख्य मार्ग बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। आपको बता दें कि तेज बारिश की वजह से महाराजगंज को जाने वाला मुख्य मार्ग महेशपुर में पूरी तरह से गड्ढा बन चुका है। इसी रास्ते से हजारों की संख्या में स्कूली छात्र एवं छात्राएं पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं एवं सुबह से शाम तक सहदेवगंज से महाराजगंज मार्केट के लिए व्यापारी एवं कई वाहन इसी रास्ते से गुजरते हैं और कई लोग तो इस गड्ढे में गिरकर घायल भी हो चुके हैं। गर्मी के दिनों में लोग जैसे तैसे आने जाने का काम चला रहे थे, लेकिन अब बारिश की वजह से लगभग हर कदम पर गड्ढा होने से गड्ढे में पानी भर जाता है, जिसके कारण बाइक चलाने वालों को गड्ढा समझ में नहीं आता और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। वहीं क्षेत्र के आसपास के लोगों का कहना है कि इस गड्ढे को लेकर कई अधिकारियों एवं जिम्मेदारों से कहा गया, लेकिन लोग जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि सड़क किनारे गड्ढा हो जाने पर कोई बैरियर या रेडियम भी नहीं लगाया गया है ताकि आने जाने वाले लोग गड्ढे को समझ सकें और दुर्घटना से बच सकें। महाराजगंज से अमित मोदनवाल की खास रिपोर्ट। भैया, जो खड्डा हुआ है बारिश के पानी से, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं कहना चाहेंगे कि जो भी हैं विधायक सांसद, वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। जो भी लोग आ जा रहे हैं सुरक्षित अपने घर पहुंचे, कोई बड़ा घटना ना हो। जो बरसात है इसका भी इंतजाम किया जाए, बरसात के पानी का जल्द से जल्द चौड़ीकरण कर दिया जाएगा तो पानी आराम से निकल जाएगा। सर, यहाँ पर चौड़ीकरण का तो मतलब ही नहीं बनता है। फिलहाल जो रोड है जी, इस जो मतलब और अचानक इसमें बारिश के पानी से खड्डा हो चुका है, उस खड्डे को पाटने के लिए कम से कम मिट्टी तो डाल सकते थे। और टुकड़ी जो भी है उसे जल्द से जल्द इंतजाम करवाना चाहिए और रोड बनवाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, ये दुर्घटना का शिकार होने लायक है या नहीं? बिल्कुल, जिस तरह से गड्ढा इस वक्त दिख रहा है, यहाँ बिल्कुल हो सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है यहाँ। इसकी सूचना आपने कभी किसी विधायक स्थानीय अधिकारी को दिया? अभी तो हमने कोई व्यक्तिगत नहीं दिया है, मैं तो सभी लोग दिए थे विधायक जी से भी, और बनने का भी जो है हो गया, सिलसिला जारी है, देखिए कब तक सब बनवा देते हैं। सर, हमारा नाम विशाल राज बर है, तालुका चन्नई पोस्ट वैशाली जिला आजमगढ़ पड़ता है हमारा। मतलब ये है महाराजगंज से और सहदेवगंज को जाने वाला मुख्य मार्ग है बारिश की वजह से बिल्कुल ढह चुका है, जो कि दुर्घटना का शिकार की दावत दे रहा है। आप इससे क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे हमेशा आना जाना रहता है हम लोग का। अगर हम लोग इस काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन सोचेगा इसके बारे में? मतलब बात यही है कि मतलब हम सोचेंगे कुछ इसके बारे में कि आगे तक सरकार तक शिकायत पहुँचे इसकी। आपकी इस गड्ढे से लेकर कि आपकी क्या समस्या है? समस्या यही है कि उधर से गाड़ी आएगी नाइट में, अगर इधर से जाएगी तो दिखाई नहीं देगा तो उसी गड्ढे में जाएगा आदमी गाड़ी लेकर। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं स्थानीय विधायक अधिकारी पीडब्ल्यूडी वालों से, आप क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही है कि आपके माध्यम से आवाज जाएगी तो लोग देखेंगे, अपना काम करवाएंगे। इससे पहले इन लोग कोई देखा नहीं होगा? एक महीना हो गया इस खड्डे को, कितना दिन हो गया? एक महीना हो गया, कोई आएगा तब ना देखेगा? नहीं, लोग कोई नहीं आता है? नहीं, कौन आता है? आता तो देखता तो काम करवाता, आएगा ही नहीं। अब जीत के चला गया तो आएगा क्या?